प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। टॉपिक की चर्चा हम कर रहे थे इसके पहले के वीडियो में, बैलून एंड सरफेस एरियाज ऑफ ए सॉलिड्स। इसके अंतर्गत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स पर आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर विद द सेम रेडियस। इफ द सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, फाइंड द रेशियो एंड हाइट ऑफ द कोन। ये बच्चों आपका क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस कह रहा है ए सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन, एक ठोस एक शंकु के आकार का है, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर विद सेम रेडियस, जो समान त्रिज्या वाले अर्धगोले पर स्थापित है। इफ द सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, यदि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, फाइंड द रेशियो एंड हाइट ऑफ द कोन, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन ये कह रहा है, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द रेडियस ऑफ द कोनिकल पार्ट, द रेडियस ऑफ द कोनिकल पार्ट एंड द हेवी स्फेरिकल पार्ट इज द सेम। यानी कोन की जो रेडियस है वही रेडियस हेमिस्फीयर की भी है। बच्चों समझ में आ रहा है? इसमें गिवन है, इसका मतलब रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ ए कोन। ये क्या है? गिवन है। और इसकी हाइट हमने यहां पर माना है ओवी। ओवी जो है एच है, जो कि हाइट ऑफ द कोन है। तो गिवन है रेडियस ऑफ द कोन इक्वल टू रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर, इसको बच्चों हम लेट कर रहे हैं आर। क्या लेट कर रहे हैं? आर। ठीक है, हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन हमने लेट किया है यस। ठीक है, अब यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर
इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। प्रिय बच्चों, सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? सरफेस एरिया ऑफ ए कोन क्या होता है? पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। ठीक है। अब इसमें बच्चों पाई से पाई कैंसिल्ड आउट। अब इसको हम और ब्रेक कर देते हैं, 2 आर स्क्वायर को हम लिख देते हैं 2 इंटू आर इंटू आर इक्वल टू आर एल। अब देखिए आर से आर हमारा कैंसिल्ड आउट, यहां पर आया 2 आर इक्वल टू एल। ठीक है। वी नो दैट, हम जानते हैं बच्चों कि स्लांट हाइट, स्लांट हाइट ऑफ द कोन ये होता है रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है। स्लांट हाइट ऑफ द कोन क्या हो, एल। स्लांट हाइट ऑफ द कोन एल इक्वल टू होता है रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? यस सर। अब इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2R L के स्थान पर लिखेंगे रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर। अब इसमें बच्चों हम क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का हम क्या कर देंगे बच्चों, स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर। यहां पर लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड दैट इज 2R स्क्वायर और ये रूट का स्क्वायर कर देंगे रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक। अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, 2R स्क्वायर की मीनिंग हो गई बच्चों 4R स्क्वायर। क्या हुआ ये 4R स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो इसमें क्या होगा, रूट जो है कैंसिल्ड आउट हो जाएगा 2 से, यह आएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब ये है 4R स्क्वायर। अब यहां पर इस R स्क्वायर का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, ये माइनस आर स्क्वायर होगा इक्वल टू एच स्क्वायर। क्लियर। 4R स्क्वायर में से R स्क्वायर कैंसिल्ड आउट बच्चों, तो 3R स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अब हम अगर इस तरह लिख दें R स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर को हम इस तरफ ला रहे हैं, ये क्या होगा 1 बाई, इस 3 को इस तरह भेज देंगे 1 बाई 3। क्लियर। अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? स्क्वायर रूट। यहां पर निकाल दे रहे हैं बच्चों, ये हो जाएगा R बाई एच इक्वल टू रूट 1 बाई 3। अब इसे हम और सिंप्लीफाई करेंगे, R बाई एच 1 का रूट निकालेंगे बच्चों तो 1 आएगा 1 बाई रूट 3। ठीक है। तो R एच टू एच इक्वल टू आ जाएगा 1 एच टू रूट 3। ठीक है बच्चों, यही हमें फाइंड करना था, यही आपका आंसर हो गया। क्या हो गया बच्चों? ये आंसर। क्लियर। यस सर। इसको नोट कीजिए।
मिटा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये सिलेंडर ऑफ हाइट 18 सेंटीमीटर इज मेड बाय फोल्डिंग ए क्लिपबोर्ड ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ 18 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। क्वेश्चन कह रहा है 18 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक सिलेंडर 22 सेंटीमीटर लंबाई और 18 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले क्लिपबोर्ड को मोड़कर बनाया जाता है। सिलेंडर का आयतन ज्ञात कीजिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। देखिए बच्चों, ये हमारा क्लिपबोर्ड है। क्या है ये? क्लिपबोर्ड। क्या है ये बच्चों? क्लिपबोर्ड। ठीक है, क्लिपबोर्ड की जो हाइट है, क्लिपबोर्ड की जो ब्रेथ है, ये कितनी है? 18 सेंटीमीटर। क्लिपबोर्ड की जो लेंथ है, ये कितनी है? 22 सेंटीमीटर। अब इसे फोल्ड करके क्या बनाया जा रहा है? सिलेंडर। जब सिलेंडर बनाएंगे तो लेंथ हमारी किसमें चेंज हो जाएगी? सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल में, है ना? सर्कमफेरेंस सिलेंडर के बेस में कन्वर्ट हो जाएगी हमारी लेंथ। ठीक है, और जो ब्रेथ है, ब्रेथ किसमें कन्वर्ट होगी बच्चों? हाइट ऑफ द सिलेंडर में। किसमें कन्वर्ट होगी? हाइट ऑफ द सिलेंडर, यानी हाइट 18 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? यस सर। ये ओ है और ये ओ डैश है बच्चों। इसमें डायमेंशन ऑफ ए क्लिप बोर्ड कितना गिवन है? 22 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर। लिखेंगे डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ ए क्लिफ बोर्ड इक्वल टू 22 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर। क्लियर? यस सर। द सिलेंडर विथ हाइट 18 सेंटीमीटर इज आर्म बाय द होल्डिंग क्लिप बोर्ड holding a clipboard hence द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर एंड द सर्कमफेरेंस
सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर यानी कितना है बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर इक्वल टू बच्चों 22, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे 2 × 22/7 r इक्वल टू 22। क्लियर? तो r इक्वल टू हो जाएगा इसमें r इक्वल टू 7 × 22/2 × 22। अब 22 से 22 कैंसिल्ड आउट। क्लियर? तो रेडियस क्या आ जाएगी बच्चों, रेडियस आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर? अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, यहां लगा देते हैं या इस चीज को हम यहीं पर लिख देते हैं। R इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है, दिख रहा है? R इक्वल टू, दिख नहीं रहा है? R इक्वल टू 7/2, यहां पर लिख देते हैं। R इक्वल टू कितना है, 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम यहां पर लगाएंगे वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर V इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है 7/2, यानी 7/2 का होल स्क्वायर, और हाइट है सिलेंडर की 18 सेंटीमीटर। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 22/7 दिख रहा है ना, 22/7 × 7/2 × 7/2 × 18। अब बच्चों 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अब 11 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 11 × 7 × 18। 11 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 77 × 18। अब इसे और मल्टीप्लाई करेंगे, 18 की टेबल 7 टाइम्स पढ़िए, 126। 693 आएगा सेंटीसीएम क्यूब। देखिए यहां पर मल्टीप्लाई करके हम दिखा दे रहे हैं, 77 × 18, 56 56
7 कितना हुआ? 30। ये तो इतना आएगा। अब इसको फिर से जो है मिटा देते हैं, मल्टीप्लाई पुनः चेक कीजिए। 8 7 56। ये आएगा 1386 TMQ। ठीक है बच्चों, ये राइट आंसर है, इसको नोट कीजिए, मिटा दे। यस सर। प्रिय बच्चों, बैलून मापे सिलेंडर में मिस्टेक हो गया था, यहां पर हम पुनः रिवाइज कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। बैलून ऑफ ए सिलेंडर वी इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां पर पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है बच्चों 7/2 का स्क्वायर, और हाइट गिवन है 18 सेंटीमीटर। देखिए ये 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 18। हमें यहां पर 7 से 7 कैंसिल होगा, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पर कितना आएगा बच्चों 11। अब ये 2 रह गया था, यहीं पर हमने वहां पर छोड़ दिया था। 2 1 2 2 9 18 18, तो 11 × 7 × 9 ये हुआ 77 × 9। 9 7 63 प्रिय बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे 77 का 9 से तो आएगा 693 CMQ। ये आपका आंसर हो गया, राइट आंसर। ठीक है, इसको नोट कीजिए, बिठा दें। यस सर। प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, द लार्जेस्ट स्पेयर इज रिमूव्ड आउट ऑफ ए कोन ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। यानी 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से सबसे बड़ा गोला निकाला जाता है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, गोले का आयतन ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, ये देखिए हमारा जो है ये इस हमारा ये जो है क्यूब है, क्या है बच्चों क्यूब है। क्यूब के सभी डाइमेंशंस कितने होते हैं बच्चों, इक्वल लेंथ के होते हैं, ऐसे होते हैं इक्वल लेंथ के, ये हमारा क्यूब है। ठीक है, यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों जो है सेम होते हैं। 7 सेंटीमीटर का लेंथ है, 7 सेंटीमीटर का ब्रेथ है, और 7 सेंटीमीटर का हाइट है। अब इसमें जो है एक स्पेयर कट किया जाता है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम इस तरह समझ लेते हैं। मान लीजिए इसका हम एक फेस दिया हमने, किसका, क्यूब का, इसमें से एक स्पेयर कट किया जाता है। ठीक है बच्चों, जब स्पेयर कट किया जाएगा
स्पेयर की जो डायमीटर होगी, स्पेयर की जो डायमीटर होगी वो क्यूब की साइड होगी। लिखेंगे हियर डायमीटर ऑफ स्पेयर इक्वल टू साइड ऑफ ए कोन, ये इक्वल टू कितना है बच्चों, होगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ ए स्पेयर क्या होता है, ट्वाइस इंटू आर इक्वल टू 7, तो इंप्लाइज दैट आर इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब यहां पर हम निकाल लेंगे बैलून, यहां पे आर क्या है, रेडियस ऑफ द स्पेयर, रेडियस ऑफ द स्पेयर। अब निकालेंगे बैलून ऑफ स्पेयर, बैलून ऑफ ए स्पेयर, फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब। यहां पर पुट करेंगे वैल्यू 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब है, आर क्यूब की मीनिंग क्या हो गई, 7/2 का होल क्यूब, 7/2 का होल क्यूब। ठीक है बच्चों, इसे बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2, क्योंकि यहां पर 3 times है। क्लियर? अब इसे बच्चों आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आएगा 5/3/9 डिवाइडेड बाई 3, और 3 से जब हम डिवाइड करेंगे आएगा 179.67 सीएम क्यूब। ये बच्चों आपका आंसर हो गया, इसको नोट कीजिए, मिटा दे। ये क्वेश्चन 1 number में पूछे जाते हैं। प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, द बेस इज 12 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर इज 5 सेंटीमीटर ऑफ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल, रिवॉल्व अबाउट इट्स बेस, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द कोन रोटेटेड सॉलिड। एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और लंब 5 सेंटीमीटर है, इसे आधार के परितः घुमाया गया, घुमाए गए ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? Yes, sir. बैलून ऑफ द रोटेटेड सॉलिड, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ये मान लीजिए हमारा क्या है बच्चों, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, क्या है ये, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, इस राइट एंगल्ड ट्रायंगल का
बेस 12 सेंटीमीटर और इसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब इसे रोटेट किया जा रहा है, इसके एलांग, बेस के एलांग, यानी बेस को यदि हम अक्ष ले लें, क्या लेट कर ले बच्चों, अक्ष, इसके एलांग इसको रोटेट किया जा रहा है। देखो अगर हम इसको अक्ष ले लें, यक्ष अक्ष कंसीडर कर लें, ठीक है, इसको हम यक्ष अक्ष कंसीडर कर लें, इसके एलांग रोटेट किया जा रहा है, तो रोटेट होगा तो ये फिगर जनरेट होगा, रोटेट होगा तो बच्चों ये फिगर हमारा जनरेट होगा, जिसको हम डैश डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी इस प्रकार ये हमारा क्या जनरेट हो जाएगा, कोण, क्या जनरेट होगा बच्चों, कोण, ठीक है, ये कोण में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। यानी बाय रिवॉल्विंग द एंगल, बाय रिवॉल्विंग एंगल अबाउट इट्स बेस, इट्स फॉर्म ए कोन एंड बेस चेंज, एंड बेस चेंज टू द हाइट ऑफ द कोन एंड परपेंडिकुलर चेंज टू द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. लिखेंगे बाय रिवॉल्विंग, ये स्टेटमेंट लिख लीजिए, बाय रिवॉल्विंग द एंगल अबाउट इट्स बेस इट फॉर्म ए कोण, इट फॉर्म ए कोण एंड बेस चेंज इनटू द हाइट of the cone and perpendicular change into the radius of the radius of the circular base ठीक है बच्चों, तो हम यहां पर क्या पा रहे हैं, वी है रेडियस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, आर से, आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड
हाइट, हाइट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? यस से। हाइट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यस से। हाइट ऑफ द कोन, रेडियस ऑफ द कोन 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द कोन 12 सेंटीमीटर। क्लियर? अब हम निकाल लेंगे स्लांट हाइट। क्या निकालना होगा? स्लांट हाइट। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके स्लांट हाइट निकालेंगे। स्लांट हाइट यल इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए स्लांट हाइट यल निकालेंगे। स्लांट हाइट L इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट। R की वैल्यू कितनी है? 5, यानी 5 का स्क्वायर, और एच की वैल्यू है 12 प्लस 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है बच्चों 25, 12 का स्क्वायर होता है 144। क्लियर? यस सर। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 169 रूट, इसको ऐड करेंगे तो रूट 169 का रूट निकालेंगे, 169 का रूट निकालेंगे आएगा बच्चों 13 सेंटीमीटर। क्लियर? यस सर। इसको नोट कीजिए, मिटा दे। यस सर। बच्चों निकालेंगे कर्व्ड कर्व, CURVED, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन क्या होता है बच्चों? पाई आर एल। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू द वैल्यू ऑफ आर, पाई के ही फार्म में इसको हम लिख देते हैं। किसके फार्म में? पाई के ही फार्म में लिख देंगे। पाई आर की वैल्यू 5, स्लांट हाइट एल हमने फाइंड किया था 13। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 13 × 5 = 65, पाई सीएम स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमने क्या निकाला? कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ ए कोन। वॉल्यूम ऑफ ए कोन, वॉल्यूम ऑफ ए कोन होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ ए कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू पाई, द वैल्यू ऑफ आर इज 5। हाइट एच इज 12 सेंटीमीटर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। ठीक है, ये आया पाई इंटू 5 का स्क्वायर, यहां पर स्क्वायर है इसे हम 2 times लिखेंगे, 5 × 5 दैट इज 25 इंटू 4। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, ये क्या आएगा? 100 πcm³, इट इज द राइट
एंसवर को नोट कीजिए। बिठा दें प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। द स्लांट हाइट एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन आर 13 सेंटीमीटर एंड 90 पाई cm² रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। ये क्वेश्चन कह रहा है एक लंब वृत्तीय शंकु की तिरछी ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है और उसका संपूर्ण वक्र पृष्ठ 90 पाई cm² है। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। कोन के आधार की त्रिज्या ज्ञात करो। ठीक है, तो यहां पर गिवन है बच्चों आपका क्या, स्लांट हाइट यह 13 सेंटीमीटर है तो रेडियस हमें फाइंड करना है और इस कोन का टोटल सरफेस एरिया 90 पाई cm² गिवन है। ठीक है, तो स्लांट हाइट एल, स्लांट हाइट एल आपका गिवन है, स्लांट हाइट एल ऑफ द कोन गिवन है बच्चों 13 सेंटीमीटर और गिवन है टोटल सरफेस एरिया ऑफ एक कोन गिवन है 90 पाई cm². ठीक है बच्चों, यहां पर हम लेट करेंगे, लेट द रेडियस ऑफ द कोन बी आर सेंटीमीटर, लेट द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन बी आर सेंटीमीटर। लिखेंगे लेट द रेडियस ऑफ द कोन बी आर सेंटीमीटर। समझ में आया बच्चों, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन क्या होता है फार्मूला द्वारा, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर होता है। ठीक है बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन कितना गिवन है 90 पाई cm², यहां लिख देते हैं हम 90 पाई। ठीक है, पाई आर एल हमारा गिवन है 13, यहां पे लिख देंगे 13 + r, इतना क्लियर। अब इसमें बच्चों पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो इंप्लाइज दैट 90 = अब r का मल्टीप्लाई कर देंगे यानी ब्रेकेट को ब्रेक करेंगे, ये होगा 13r + r². अब इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, इस पूरे स्टेप को हम इस तरफ लिख लेते हैं r² + 13r = 90। 90 का ट्रांसफर लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं, ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, r² + 13r - 90 = 0। क्लियर, अब इसके बाद बच्चों इसका फैक्टर्स करेंगे, 13 को हम स्प्लिट करेंगे टू टू पार्ट में, ये आएगा
आर स्क्वायर, यानी 90 का पहले हम फैक्टर बनाएंगे, 90 का फैक्टर बनेगा 18 इंटू 5 इक्वल टू 90। देखिए यहां पर ये माइनस 90 है, क्या बच्चों समझ लीजिए, इसके हम पहले दो फैक्टर्स क्रिएट करेंगे, 18 इंटू यहां पर लिखेंगे माइनस 5, ठीक है, दो फैक्टर्स हमने क्रिएट कर लिया, और इसका यदि हम सम करें एंड इसका सम 13 के इक्वल आना चाहिए, कैसे आएगा, जब 18 में 5 लेस कर देंगे, ठीक है बच्चों, इतना क्लियर। यहां पर लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस 18R माइनस 5R माइनस 90 इक्वल टू 0। ये हमारा बना फर्स्ट ग्रुप और ये सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में क्या कॉमन लेंगे, R, दिखाई पड़ रहा है, yes, तो ये हो जाएगा R प्लस 18। अब इसमें माइनस 5 कॉमन लेंगे तो माइनस 5 से माइनस 5 आर को डिवाइड करेंगे तो आएगा बच्चों आर। अब माइनस 90 को माइनस 5 से डिवाइड करेंगे तो प्लस आएगा 18 इक्वल टू 0। इतना क्लियर, यस सर। बाकी हम यहां पर लगा देते हैं, इसको मिटा दें, यस सर। अब इसमें आर प्लस 18 कॉमन ले लेंगे, आर प्लस 18 कॉमन लिया तो आया आर माइनस 5, क्या आया आर माइनस 5 इक्वल टू 0, क्लियर। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इफ आर प्लस 18 इक्वल टू 0 देन आर इक्वल टू माइनस 18 एंड इफ आर माइनस 5 इक्वल टू 0 देन R इक्वल टू 5, क्लियर बच्चों समझ में आया, यस सर। अब नेगेटिव वैल्यू कंसीडर नहीं की जाती है, सिंस नेगेटिव रेडियस इज नॉट वैलिड नेगेटिव रेडियस इज नॉट वैलिड सो रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, रेडियस ऑफ the base of the cone equal to 5 centimeters, ठीक है बच्चों इसको नोट कीजिए, यही आपका आंसर हो गया, मिटा दें, यस सर।